बड़ा पेट्रियोटिक आदमी यार मैं, बहुत ज्यादा देशभक्त टाइप का। आप लोग हो? मैं तो हूँ। अरे बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक हूँ, और मैं देश के लिए करना ही बहुत कुछ चाहता हूँ, पर समझ ही नहीं आ रहा करूँ क्या। तो मैंने बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि मैं बच्चे पैदा करूंगा। बहुत सारे लाइन ही लगा दूंगा एकदम। कोई पूछेगा देश को क्या दिया, तो मैन पावर। चार सॉफ्टवेयर इंजीनियर, छह उबर ड्राइवर। क्लैरिटी है, कंफ्यूजन कहीं नहीं। आप लोग यूट्यूब पे हो क्या सब? सब मैं भी हूँ। जो मेरा पहला वीडियो डाला था ना यूट्यूब पे, इट वॉज अबाउट माई जर्नी ऑफ क्विटिंग माई जॉब एट TCS एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी फुल टाइम। द टाइटल ऑफ दैट वीडियो वॉज जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। एंड द फर्स्ट कमेंट ऑन द वीडियो वॉज, भैया जहाँ आपने छोड़ी मेरी लगवा दोगे? अभी जैसे मैंने आज भी इस इवेंट का ना फेसबुक पर डाला था कि परफॉर्मिंग एट कैनो क्लब गुड़गांव लोअल परेली, सर कमेंट में लोग फ्री टिकट मांग रहे थे यार मुझसे। ट्रेन की कि भैया शो में तो घुस ही जाएं कैसे, थोड़ा शहर में घुसा दो ना। अभी मैंने कैनवास वालों को बोला कि सबका सोलो शो कराते हैं, मुझे कहा है छह लोग के साथ डाल लो। कराओ मेरा सोलो शो, तो कह रहे करा तो देंगे, हमारे पार्किंग में साइकिल स्टैंड नहीं है। तो पे मना कर दो ना, बदतमीजी क्यों कर। गंवार मार समझ रहे हैं यार। इधर मेरे साथ ड्रॉबैक भी ना कि मेरे हिंदी में थोड़ा एक्सेंट आता है यूपी बिहार का, पता नहीं क्यों आता है। ऑस्ट्रेलिया वालों का भी आने लगा बताइए तो। तो मेरा यूपी बिहार, आप लोग सब यहीं गए मुंबई के? अच्छा। वही सब नहीं होता है, कल भी शो था ना ऐसे ही, सब यही कह रहे हैं। मैंने एक से पूछा एग्जैक्टली कहाँ, तो कह रहा कानपुर में। अच्छा। तुम कानपुर, मैं न्यूयॉर्क। तो इसी वजह से मेरा थोड़ा एक्सेंट आता है यूपी बिहार वाला। अब दिक्कत क्या है ना, जब लोग एक बार पकड़ लेते ना कि भैया जी हैं, बहुत लेते हैं यार, घुमा घुमा के नए नए तरीकों से ले रहे होते हैं। लेकिन एक दिन मेरा दोस्त आया मेरे पास, मुझे तो दोस्त ही लगता था तब तक। आके मेरे से कह रहा है ब्रो तू एक काम कर, तू ना इंसेप्शन देख, इंसेप्शन तेरे समझ ही नहीं आएगी। मैं तुम्हारा पर्पस क्या है, मूवी दिखाना, मुझे चूतिया साबित करना है। तो मैं क्यों, तुमको पसंद है, तुम जबरदस्ती क्यों दिखा रहे हो पकड़ पकड़ के, तुम देख। अरे मेरे को नहीं देख, इनको शायद डर है कि मैं अकेला ही तो नहीं हूं जिसे समझ नहीं आ रही। जबरदस्ती पकड़, अब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, अब मैं एकदम मतलब पगला। अब कोई आके मेरे को बकवास करता है ना कि ब्रो इंसेप्शन देखी कैसी लगी, प्रेडिक्टेबल है यार थोड़ी। ओवररेटेड ही लगी मुझे तो। करण अर्जुन जितना इंपैक्ट नहीं था। I'll give it 2 stars out of Milky Way, भाड़ में जाओ। अब मैं क्यों देखूं यार, नहीं देखने मुझे। मैं यार डाई हार्ड बॉलीवुड फैन हूँ, गजब वाला, मतलब बेहद निहायती वाला। और ये जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं ना, हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, टॉम क्रूज, विल स्मिथ और जितने भी हैं, ये क्रिस जो जितने भी हैं, इनको जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ ना लैपटॉप पे या मूवी में कभी, यार इनको देख के अपने वाली फीलिंग ही नहीं आती। ला समझ रहे हो, इनको जब मैं देखता हूँ तो लगता ही नहीं कि ये मेरी कहानी है, या इनके जैसा मैं कभी बन सकता हूँ। यार भाई अजय देवगन। यार कसम बता रहा हूँ, मैं अजय देवगन को देखता हूँ ना स्क्रीन पे, मुझे देख के लगता है ये तो मैं ही हूँ। ये मैं ही तो हूँ। ये आदमी जो अपने हर गाने में पैदल चल रहा है, ये मैं ही तो हूँ। दुनिया चाहती है बदल दें सबको, जैसे हम हैं वैसे सबको बना दें। तो मेरा भाई है, बड़ा भाई, उन कहता है ये ना ये डाई हार्ट बॉलीवुड फैन, ये सब बकचोदी है, इम्प्रूव बहाना है, ये एक्सक्यूज है, इम्प्रूव तो करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट वे टू इम्प्रूव एज अ पर्सन इज टू रीड बुक्स। मेरा भाई ना एक्चुअली फॉरनर्स के बहुत ज़्यादा टच में रहता है।
ट्रैवलर ट्रैवलर नहीं बीपीओ में काम करता है है उसका अपना थोड़ा तो उसने ना मुझे मेरे बर्थडे पे पीछे बुक ला के गिफ्ट कर दी सीधे, और वो भी पॉल केलो की द एल्केमिस्ट सीधे बट यार होगा कुछ इसमें फनी, मुझे भी नहीं पता चल रहा बट यार कसम से इस बार मैंने गिव अप नहीं किया, और फर्स्ट वीक में ही 80 पेज पड़ गया डिक्शनरी के कितनी टफ बुक है यार वो, इतनी टफ इन शो बुक में सब टाइटल होने चाहिए पूरी बुक पढ़ने के बाद उसका विकिपीडिया पेज पढ़ना पड़ता है। अब ये तो ट्रेजर हंट के बारे में थी, मुझे लव स्टोरी लग रही थी अब तक। लोग लगे रहते कि वोकैबुलरी तो इंप्रूव होगी, वोकैबुलरी इंप्रूव कर लो इसी बहाने। मैंने ना लाइफ में दो बार वोकैबुलरी इंप्रूव करने का ट्राई किया, कटा बहुत है मेरा। पहली बार 10th में मेरे को शौक चढ़ा था, मैं थिजारस सिनोनिम सब चाट जाता था बिल्कुल मुझे, और होता है ना चाटते तो यूज भी करना होता है। तो मुझे याद है मैं 10th का इंग्लिश का एग्जाम दे रहा था, मैंने एक्स्ट्रा शीट्स ली थी और मुझे बांध के सबमिट करना था। तो आई रेज्ड माय हैंड इन द क्लास एंड सेड मैम कैन यू प्लीज गिव मी अ रोप। मैम कहीं इतना खराब जा रहा है, 20 क्लास में फांसी लगा लोगे तुम। मैंने गिव अप कर दिया उसके बाद यार। अब दिक्कत क्या है कि मान लीजिए मैं एक बार को इंप्रूव कर भी लूं, बन गया मैं शशि थरूर एक बार को, मान जस्ट इमेजिन बन गया मैं शशि थरूर यार, रहना तो मुझे इसी सर्कल में, उसी सर्कल में है ना, उसमें तो सारे नवाजुद्दीन भरे पड़े हैं, थ्योरी कहीं और प्रैक्टिकल कहीं और चल रही है। मैंने ट्राई किया एक बार, मेरे दोस्त बैठे हुए थे सारे, मैं गया गाइस बडीज बडीज पाल पाल कोई जवाब ही ना, तो मैं आया हराम खोर सुन इधर मैं बोला ए गाइस आर यू अ फेमिनिस्ट, कह रहा मतलब समझते नहीं यार ये लोग, इन्हीं को सुधारना, इन तक बात ही नहीं पहुंच रही, इन्हीं को तो सुधारना है। ये सारे सारे लोग अंग्रेजी में लिख ले, ग्रुप डिस्कशन कर लो ना तुम आपस में सुधारना हम लोगों को, तो हम तो पहुंच ही नहीं, हम तक पहुंचो भाई